क्या तुमने मेरा नाम बताया था? डिड यू टेल माई नेम? क्या तुमने मेरा नाम बताया था? डिड यू टेल माई नेम? बहुत फ़ायदे की बात है, इट्स वेरी बेनिफिशियल मैटर। बहुत फ़ायदे की बात है, इट्स वेरी बेनिफिशियल मैटर। कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, टुमोरोज़ डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। Tomorrow's day is very special for me. मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। I should have trusted you. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। I don't understand at all. जितना बोलना है बोल लो तुम। Speak as much as you want. क्या मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ? Do I look so good? क्या मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ? Do I look so good? मेरे पास सिर्फ एक घंटे का समय है। I just have one hour's time. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। This is enough for today. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। This is enough for today. मैं किसी भी तरह उनका गुस्सा ठंडा कर दूँगा। I will cool her temper anyhow. तुम उसकी यादों में नहीं हो। You are not in her memory. मैंने तो इसे मारा भी नहीं। I didn't even hit him. मैंने तो इसे मारा भी नहीं। I didn't even hit him. तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? Is it important for you to go there? यहाँ कुछ धनिया और अदरक है। Here is some coriander and ginger. किसने सिखाया ये सब तुम्हें? Who taught you all this? बदतमीज़ी की भी हद होती है। There is a limit to insolence too. आपको अचानक क्या हो गया? What happened suddenly to you? पहले आप लोग इसका स्वाद लो फिर बताओ। First you guys taste it then tell me. मैंने इतने घी और चीनी बर्बाद कर दिए। I wasted such a lot of ghee and sugar. इसे मैं नहीं ले जाने दूंगा। I won't let him take it away. आप एक मिनट के लिए बाहर आइए। You come out for a minute. ऊपर का पहला बटन खोल लो। Undo the top button. वो मुझे गालियाँ बक रहा है। He is abusing me. ज़िंदगी जीने का तरीका सीखो। Learn the way to live life. अपना सिर सीधा रखे। Keep your head straight. अपने परिवार का ध्यान रखो। Take care of your family. अपने परिवार का ध्यान रखो। Take care of your family. तुम अब क्या कर रहे हो? What are you doing now? अपना खाना जल्दी ख़त्म करो। Finish your food quickly. किसी के लिए इतना इंतज़ार मत करो। Don't wait so long for someone.
हम अक्सर उनसे पूछते रहते हैं. वी ऑफन कीप आस्किंग देम वो मुझे खाने को कुछ देगा. ही विल गिव मी समथिंग टू ईट मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस जब आप आए तब मैं चला गया. आई लेफ्ट व्हेन यू केम कुछ पक्का नहीं कह सकते कांट से फॉर श्योर दर्द के बिना कोई जीत नहीं है. देयर इज़ नो विक्ट्री विदाउट पेन क्या यहाँ पास में कोई क्रिकेट स्टेडियम है? इज़ देयर अ क्रिकेट स्टेडियम नियर हियर मेज पर कोई चम्मच नहीं है. देयर आर नो स्पून्स ऑन द टेबल हमें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. वी मस्ट ट्राई वंस आप बात सुनते क्यों नहीं हो? Why don't you listen? आप बात सुनते क्यों नहीं हो? Why don't you listen? अब आपकी मदद कौन करेगा? Who will help you now? अब आपकी मदद कौन करेगा? Who will help you now? हम कब उनके लिए कुछ करेंगे? When will we do something for them? मुझे क्या पता होना चाहिए था? What should I have known? किसी के सहारे मत बैठो. Don't sit with anyone's support. मैं आपसे कब मिलना चाहता हूँ? When do I want to meet you? हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं. We can clear this exam. आपका कुछ एहसान नहीं है मुझ पर. You don't owe me anything. मैं ये काम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ. I can finish this work very quickly. उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है. He is badly hurt. उससे अपना हिसाब बराबर कर लो. Settle your account with him. हम उनके घर खाना खाने जाएंगे. We will go to their house for dinner. यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा. This excuse will not stand here. मुझे हिम्मत से काम लेने दो. Let me muster courage. क्या आप एक अच्छी किताब सुझा सकते हैं? Can you recommend a good book? मैं बस देख रहा हूँ. I am just looking around. मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ. I am just passing through. मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ. I am just passing through. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पते को ढूंढने में? Could you help me find this address? मैं हमारी मुलाकात का इंतज़ार कर रहा हूँ. I am looking forward to our meeting. क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? Can you show me the way?
क्या आप कृपया धीरे धीरे बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली? कैन यू प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली? क्या आप मुझे नज़दीकी अस्पताल का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू गिव मी डायरेक्शन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल? कुड यू गिव मी डायरेक्शन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल? क्या आप मेरे इस मामले में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस? कैन यू हेल्प मी विद दिस? क्या आप कोई अच्छा जगह बता सकते हैं जो देखने लायक हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू विजिट? कैन यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू विजिट? तुम नाक क्यों सिकुड़ रही हो? Why are you wrinkling your nose? Why are you wrinkling your nose? तुम दबे पाँव क्यों चल रहे हो? Why are you walking on tiptoe? Why are you walking on tiptoe? अब उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है. No one is helping him now. No one is helping him now. क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? Has the water been boiling for long? क्या यह समय के लिए भी अच्छा नहीं है? Is this time not good for me also? Is this time not good for me also? वह मेरे घर आज आया. He came to my house today. He came to my house today. मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा. My son did not beat your son. My son did not beat your son. वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा. He fell on his face in the mud. He fell on his face in the mud. उसने किसी को माफ नहीं किया. She did not forgive anyone. She did not forgive anyone. उसने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी. He did not give me his book. He did not give me his book. उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया. They did not make any noise. They did not make any noise. वह 3 बजे मार्केट गया था. He went to the market at 3 o'clock. He went to the market at 3 o'clock. अयान दौड़ में प्रथम आया. अयान केम फर्स्ट इन द रेस. अयान केम फर्स्ट इन द रेस. क्या मैं रोज़ अखबार नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली? डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली? नहीं, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा हूँ. नो आई एम जस्ट आस्किंग. नो आई एम जस्ट आस्किंग. वह जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है. ही इज पाउंडिंग द डोर. ही इज पाउंडिंग द डोर. वह बहुत पैसे वाली औरत है. शी इज़ अ वेल्दी वुमेन. शी इज़ अ वेल्दी वुमेन. हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं. वी ऑफन मेक मिस्टेक्स. वी ऑफन मेक मिस्टेक्स. तुम्हारे ख्याल से वह कौन है? हु डू यू थिंक ही इज? हु डू यू थिंक ही इज? आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो? वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो? मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था. दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई थॉट. दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई थॉट. उसने और क्या पूछा तुमसे? वॉट एल्स डिड ही आस्क यू? वॉट एल्स डिड ही आस्क यू? उसने जैसा बताया था मैंने वैसे किया. आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी. आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी. मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हो. आई डोंट केयर हु आर यू. आई डोंट केयर हु आर यू. क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार?
डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? बहाने बनाना बंद करो. स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. बहाने बनाना बंद करो. स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता. वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन. वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन. हम खबर सुनकर चौंक गए. वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़. वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़. लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा. फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनी थिंग. फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनी थिंग. कारोबार में आजकल मंदी पड़ गई है. बिजनेस इज सो स्लो दीज डेज. बिजनेस इज सो स्लो दीज डेज. मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ. आई एम इरीटेटेड विथ यू. आई एम इरीटेटेड विथ यू. लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया. बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ. बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ. मुझे गुस्सा आ रहा है. आई एम गेटिंग एंग्री. मुझे गुस्सा आ रहा है. आई एम गेटिंग एंग्री. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू वरी. यू डोंट नीड टू वरी. क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? आर यू गेटिंग एंग्री. आर यू गेटिंग एंग्री. ये सब तुम्हारे कारण हुआ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. इससे सस्ता वाला है क्या? डू यू हैव वन दैट्स चीपर. डू यू हैव वन दैट्स चीपर. तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है. यू आर ऑफ योर हेड. यू आर ऑफ योर हेड. हर चीज़ की हद होती है. देर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग. देर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग. तुम रोज़ देर से क्यों आते हो? वाई डू यू कम लेट एवरी डे. वाई डू यू कम लेट एवरी डे. कृपया अपने आप को दोष ना दे. प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ. प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ. क्या तुम खाने पर आ रहे हो? आर यू कमिंग टू डिनर. आर यू कमिंग टू डिनर. मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है. आई नीड सम मनी. आई नीड सम मनी. वह मुझसे झूठ बोल रही है. शी इज़ लाइंग टू मी. वह मुझसे झूठ बोल रही है. शी इज़ लाइंग टू मी. आपका खाना ठंडा हो रहा है. योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड. योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड. दरवाजे को आधा खुला रखो. कीप द डोर हाफ ओपन. कीप द डोर हाफ ओपन. समय बहुत जल्दी बीत जाता है. टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है. आई हैव गिवन अप माई ड्रीम्स. आई हैव गिवन अप माई ड्रीम्स. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विथ मी. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विथ मी. उससे बात करते करते मैं सो गया. आई स्लेप्ट वाइल टॉकिंग टू हर. आई स्लेप्ट वाइल टॉकिंग टू हर. ऐसी शरारत दोबारा मत करना. डोंट डू सच मिशेफ अगेन. डोंट डू सच मिशेफ अगेन. वहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वाई इज़ देयर सो मच साइलेंस. वाई इज़ देयर सो मच साइलेंस. आपको मेरा जादू कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक माई मैजिक. हाउ डिड यू लाइक माई मैजिक. मगर हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए. बट वी शुडन्ट गेट एंग्री. बट वी शुडन्ट गेट एंग्री.
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज़ इन वेन। क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। तुम्हारी हालत भी वैसी है। योर कंडीशन इज़ द सेम। मैंने उसे संभाल कर रखा है। आई हैव केप्ट इट सेफली। अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाओ मत। डोंट हेसीटेट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई एवरीथिंग बैक। तुमने तो हमें बताया ही नहीं। यू डिडेंट टेल अस एट ऑल। मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कांट वेट टिल देन। एक तरीके से तुम अच्छा कर रहे हो। इन अ वे यू आर डूइंग वेल। तुम बेवजह यहाँ आ रहे हो। यू आर कमिंग हियर फॉर नथिंग। ऐसा लगता है मानो तुम उदास हो। इट सीम्स एज इफ यू आर सैड। क्या यह महंगा लगता है? डज़ इट साउंड एक्सपेंसिव। वो सुधरने को तैयार ही नहीं है। ही इज़ नॉट रेडी टू मेंड हिज़ वे। मेरा बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग। मेरा बात करना अभी बाकी है। आई एम येट टू टॉक। अपने परिवार का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। घुटनों के बल मत चलो डोंट ड्रैग योर नीज। मुझे 8 बजे याद दिला देना। रिमाइंड मी एट एट। अपना खाना जल्दी ख़त्म करो। फिनिश योर फूड क्विकली। कोई भी दिन ठीक रहेगा एनी डे विल बी फाइन। मुझे आदेश देना बंद करो स्टॉप लेक्चरिंग मी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाई यू। नंगे पैर मत चलो डोंट वॉक बेयर फुट। मैं मैथ्स में अच्छा हूँ आई एम गुड एट मैथ्स। वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। शी वॉज़ इग्नोरिंग मी। और किसने इस काम को किया? हु एल्स डिड दिस वर्क। आप मुझसे किस बारे में पूछ रहे हो? वॉट आर यू आस्किंग मी अबाउट। किसी के लिए इतना इंतज़ार मत करो। डोंट वेट सो लॉन्ग फॉर समवन। हम अक्सर उनसे पूछते रहते हैं। वी ऑफन कीप आस्किंग देम। हम समय पर पहुंच गए थे।
वी हैड अराइव्ड ऑन टाइम। वे मुझे कोई मौका नहीं देंगे। दे वॉन्ट गिव मी एनी चांस। हम उसके साथ काम करेंगे। वी विल वर्क विद देम। मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। वह इतना क्यों बोलता है? Why does he speak so much? जब आप आए तब मैं चला गया। I left when you came. वह आसानी से गुस्सा हो जाता है। He easily gets angry. आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? In which era you are living? मैं उससे पहले भी एक बार मिल चुका। I have met her once before. मेरी तुलना उन लोगों से मत करो। Don't compare me with them. कहाँ से मिला ये तुम्हें? Where did you get it from? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? Can I see her just once? अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। I have no relation with him now. मुझे अपनी अलमारी व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। I need to organize my closet. मुझे सोने से पहले ध्यान करना पसंद है। I like to meditate before bed. यह एकदम मज़ेदार काम लगता है। That sounds like a fun activity. मैं सप्ताहांत के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait for the weekend. क्या आपके पास कोई पालतू पशु है? Do you have any pets? मुझे अपनी कार धोने की ज़रूरत है। I need to get my car washed. मुझे रात के खाने के बाद टहलना पसंद है। I like to take a walk after dinner. मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to eat healthier. मुझे अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराना है। I need to renew my passport. मैं पुराने गानों का दीवाना हूँ। I am crazy about old songs. शुक्र मनाओ वो जा रहे हैं। Be grateful that they are going. मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn buttering up from you. बाहर का खाना कम कर दो। Cut down on fast food. हम भी किसी से कम थोड़ी थे। We two were no less than anyone. मैंने वहीं तो उस अजनबी को देखा था। That's where I had seen that stranger. बोलना कम कर दो, तुम बहुत बोलते हो। Cut down on speaking, you speak a lot. ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है।
such stories are extremely boring. Such stories are extremely boring. English सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? What matters the most to learn English? What matters the most to learn English? इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ. That's what we had a dispute on. That's what we had a dispute on. उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए. He should not flatter. उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए. He should not flatter. पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है. It is no use earning money. It is no use earning money. रोने से कोई फ़ायदा नहीं. It is no use weeping. It is no use weeping. आपकी छुट्टियाँ कैसी थी? How was your vacation? आपकी छुट्टियाँ कैसी थी? How was your vacation? जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं. As you think, so you become. As you think, so you become. मुझे नई नौकरी की तलाश है. I am looking for a new job. I am looking for a new job. यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है. It is no use staying here. It is no use staying here. ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो. Don't think more than enough. Don't think more than enough.